वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो। इकोनॉमी की फंक्शनिंग हम समझ चुके हैं, बट अब हम देखेंगे कि एक इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो आपस में कैसे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एडुकेशन सिस्टम से स्कूल से कोचिंग सेंटर्स कैसे डिपेंडेंट हैं, मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर्स से क्लिनिक से बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर कैसे डिपेंडेंट है। और बेसिकली यहाँ पे हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो हम गुड्स और सर्विसेज के फ्लो की बात करेंगे। सबसे पहले चार सेक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, देर आर फोर सेक्टर्स, और ये वो चार सेक्टर्स हैं जो कंट्री पे डिपेंडेंट या कंट्री की इकोनॉमी को शोकेस करते हैं। द फर्स्ट इज कंज्यूमर सेक्टर या हाउसहोल्ड सेक्टर। ये सेक्टर चीजों को कंज्यूम करता है यूटिलिटी की फॉर्म में। कई कंज्यूमर्स की एमपीसी ज्यादा होती है, एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्चने की इच्छा ज्यादा होती है, और कई कंज्यूमर्स की एमपीएस ज्यादा होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होती है, सेविंग करने की इच्छा ज्यादा होती है। और कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी होती है वो उस कंट्री की इकोनॉमी को शेप करता है। द सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर। किसी भी कंट्री का जो दूसरा सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स को लेके, कैपिटल गुड्स को लेके, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके कंज्यूमर को चीजें बेचता है। ये सेक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, बट वो प्रोड्यूस करता कैसे है। थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। ये सेक्टर का काम है अमेरिका के अंदर सिर्फ टैक्स लेना, बिकॉज वहां पे फ्री इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर टैक्स लेना, सब्सिडी देना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और जहां पर लगता है इंटरफेयर करना। इंडिया की गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, कई मैटर्स में करती है और कर सकती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी देता है। तो सर्कुलर फ्लो के अंदर गवर्नमेंट टैक्स लेके किस तरीके से इकोनॉमी को शेप करती है। एंड द फोर्थ इज ROW, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सारी दुनिया। सो अभी राइट नाउ जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं प्रोड्यूसर सेक्टर से बिलोंग कर रहा हूं, आप कंज्यूमर या हाउसहोल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जो फीस आप मुझे दे रहे हैं उसके ऊपर जो GST जा रहा है वो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है। और मैं कौन सा फोन यूज कर रहा हूं या मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, शायद वो हमने चाइना या जापान से लिया हुआ है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर शो कर रहा है। क्योंकि हमारा सिलेबस है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स बट एट इंट्रोडक्शन लेवल, वी आर स्टडिंग द मैक्रो एट इंट्रोडक्शन लेवल। इस वजह से ये सेक्टर्स को हम स्टडी नहीं करेंगे अभी के लिए, आगे जाके पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, बिकॉज इन सेक्टर्स को समझना अभी आपके लिए, यू आर नॉट मेच्योर इनफ, इन सेक्टर्स को समझाना आपकी मेच्योरिटी से बाहर है। हम ये दो सेक्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये दो सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, लेट्स स्टडी। सी दिस इज हाउसहोल्ड सेक्टर एंड दिस इज प्रोड्यूसर सेक्टर। दिस इज हाउसहोल्ड सेक्टर एंड दिस इज प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर से अगर आप प्रोड्यूसर सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, आप एक कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं,
तो आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप कोई भी प्रोड्यूसर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, और वो चार चीज़ें आप हाउसहोल्ड सेक्टर से लेके आते हैं या बोरो करते हैं, या तो अपने घर से लेके आएंगे या किसी से बोरो करेंगे। और वो चार चीज़ें हैं, देखिए ये जो एरो वर्क कर रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपको जगह चाहिए जहां पे काम करना है, आपको लेबर चाहिए जिससे काम करवाना है, आपको पैसा चाहिए जिससे काम करना है, और आपको टैलेंट, स्किल चाहिए जिससे काम चलेगा। और ये चारों चीज़ें आप हाउसहोल्ड सेक्टर से लेके आते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये लैंड मैंने अपने डैड से लिया है, लेबर मैं खुद लेबर डाल रहा हूँ, या रिसेप्शन वाले मैम जो कॉल्स लेते हैं, पीडीएफ सेंड करते हैं आपको या लेक्चर अपलोड करते हैं। कैपिटल, मुझे पैसा चाहिए, एडिटर को पेमेंट नहीं करनी, नो एडिटर को मैं पेमेंट नहीं करता, वो उसका बिजनेस है, मेरे को किसी पर्सन को पेमेंट करनी है जिन्होंने मुझे ये सारा कैमरा पर्सन एडिटर भेजा है। और एंटरप्रेन्योर, मैं कुछ स्किल्स लेके आया हूँ जब मैं पढ़ाई खत्म करके इस सेक्टर में एंटर किया। इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी से इट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने का जरिया। अब मैं प्रोड्यूसर सेक्टर में आ गया हूं, क्या ये फ्री में जगह मिल रही है, क्या लेबर फ्री में काम करती है? नो, मैं कुछ प्रोडक्शन करूंगा और प्रोडक्शन करके हाउसहोल्ड सेक्टर को चीजें बेचूंगा। नाउ ये चारों चीजें इकट्ठी करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। सो फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर देयर इज अ फ्लो, दिस एरो मीन्स फ्लो, देयर इज अ फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं? एडुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, एक बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने चाहिए, बट उससे पेट नहीं भरता है। दैट मीन्स जब मैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपको दूंगा तो आप हो हाउसहोल्ड सेक्टर से, आप अपनी जेब से पैसा निकाल के मुझे पैसे देंगे, तो आपके सेक्टर से पैसा मेरे सेक्टर में आ जाएगा। मनी, इसे कहेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन फाइनल गुड्स बाय द कंज्यूमर बाय प्राइवेट सेक्टर। और जो पैसे आपने मुझे दिए उस पैसे के अब चार पार्ट हो जाएंगे। कुछ पार्ट मैं लैंड को दूंगा रेंट, कुछ पार्ट मैं लेबर को दूंगा वेजेस, दैट इज सैलरीज, कुछ पार्ट मैं कैपिटल को दूंगा इंटरेस्ट, और बाकी जो बचा वो हो जाएगा प्रॉफिट्स और लॉसेस, लॉसेस हैं तो माइनस में। दीज आर कॉल्ड रेमनरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो रेमनरेशन, पैसे वापस दिए जा रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। एंड सी दिस इज हाउ द सर्कुलर फ्लो वर्क्स। ये दोनों सेक्टर देखिए इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पेज नंबर 5,
सर्कुलर, पहले हम सेक्टर्स की बात करते हैं. सेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलर फ्लो. डिफरेंट सेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलर फ्लो विद इन एन इकोनॉमी आर, वन, हाउसहोल्ड सेक्टर्स. इट इज engaged in the consumption of goods and services and also the provider of factor services. Household sector goods and services ko consume karta hai aur factor services ko provide karta hai. Please underline what are factor services. Please underline factor services. Bracket mein likhiye factors of production. Bracket mein likhiye factors of production, that is land, comma, labor, comma, capital and entrepreneur, जिसे आप entrepreneur कहते थे. Producing sector, this sector, it is engaged in the production of goods and services. It is also referred as firms. Full stop, aage likhiye. They borrow factor services from household sectors. Ya it borrow ya they borrow. They stands for producers, it refers firm. They borrow ya it borrow. They borrow या it borrow from factors of production from household sector. They borrow factors of production from household sector. Third, government sector. It is engaged in such activities which are related to taxation and subsidies as well as consumption and production. Government tax bhi lagata hai, subsidy bhi deta hai, production bhi karta hai. Kahi goods government sector se aate hai, railways, Air India, aur consumption bhi hoti hai. Wo consume bhi karta hai. Kaise? Government school ke andar benches ya government hospital ke andar ventilators wo khud thoda banata hai, wo consume karta hai, producer se khareedta hai. Fourth, rest of the world. It is engaged in exports and imports. Exports, imports or tourism also. Full stop. Aage karke likhe. Aage likhe. It refers to all the variables except the variables of the own economy. It refers to all the variables except variable of own economy. Apni economy chhod ke. Full stop. Circular flow of income and product. Two sector model. What is two sector model? This. हम ये दो सेक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, बिकॉज इंट्रोडक्टरी लेवल पे इनको नहीं समझा जा सकता और हमारे सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो, तो इनको हम इग्नोर कर रहे हैं फॉर द टाइम बी. तो अब हम बात कर रहे हैं टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. यू विल गेट टाइम टू नोट इट डाउन. आपको टाइम मिलेगा नोट डाउन करने के लिए. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. प्लीज अंडरलाइन क्लोज्ड इकॉनमी. अंडरलाइन करके लिखेंगे. इट इज द इकॉनमी इन विच रेस्ट ऑफ द आरओडब्ल्यू सेक्टर इज नॉट अवेलेबल. क्लोज्ड इकॉनमी को अंडरलाइन करके लिखेंगे. देर आर टू इकॉनमीज, ओपन एंड क्लोज्ड. इंडिया एक ओपन इकॉनमी है बट हम यहां पर क्लोज समझ रहे हैं अभी फॉर द टाइम बींग. अंडरलाइन क्लोज्ड इकॉनमी. इट रेफर्स टू द इकॉनमी इन विच there is no ROW sector, in which there is no ROW, rest of the world sector, in which there is no
rest of the world, ROW sector. Full stop. It is the simplest form of closed economy in which there are only two sectors, that is household and firms. Household sector supplies factor services to firm. Ye dekhiye, household sector provide factor services to firms. What are factor services? Factor of production. And firms hire factor services from household, borrow. Firms produce and sell their output to the households. Producer sara saman household ko bechti and receive consumption expenditure. What is consumption expenditure? Private final consumption expenditure from household, whereas firm has to pay factor payments. Badle mein unhe factor payment deni padti hai. What is factor payment? Rent, wages, interest, profit from the use of factor services to household. Please underline consumption expenditure ko underline karke likhiye. Private final consumption expenditure. फिर factor payments को underline कीजिए. Commas में mention है. Factor payments को underline कीजिए. लिखिए rent, wages, interest and profits. Factor payments को underline करके लिखिए. Rent, wages, interest and profits. उसके आगे factor services नजर आ रहे हैं आपको. Factor services को underline कीजिए. Factor services को underline कीजिए. लिखिए land, labor, capital and entrepreneur. Factor services को underline करके लिखिए land, labor, capital and entrepreneur. Okay, you have 1 minute. इसे draw कीजिए. ऊपर जगह given है. Page number 5 में you may see there is a space given and that space is basically to draw this. Kindly draw household sector, producer sector, land, labor, capital, entrepreneur, final goods and services, private final consumption expenditure, rent, wages, salaries, interest and profits. You have complete 1 minute to draw this. Speed up. I hope you must have drawn this. This is our two sector model. Agar two sector model mein banks aa jaye, money institute aa jaye, shares, debentures, jo log paise save karte hain, zaruri nahi hai wo sare paise kharch kare, tab ye sector kaise work out karega. Let's see that. So agar banks isme include kar diye jaye, इसी में मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. मनी मार्केट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो मनी का फ्लो है वो स्पीड हो जाती है, उसका कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जो पैसे हाउस होल्ड में थे वो प्रोड्यूसर को देने में टाइम लगेगा. नाउ व्हाट हैपन इज हाउस होल्ड सेक्टर बैंक्स को पैसे सेव करेगा बैंक्स में, इसीलिए बैंक्स चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि आप पैसे बैंक्स में सेव करें ना कि घर पे सेव करें. और वही पैसे बैंक्स प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स.
बैंक्स बेसिकली नया सेक्टर नहीं है, बैंक्स प्रोड्यूसर सेक्टर है, पर हम उसको एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ये कोई गुड सर्विसेज नहीं बेचता, ये पैसे से पैसा कमाता है। 10 लाख बैंक्स में जमा हुए, कुछ CRR, SLR, कुछ पैसे उन्होंने अपने पास रखे रिजर्व्स में, 10 लाख का 20% 2 लाख, और 8 लाख को लोन दे देंगे और 8 लाख पर उन्हें 12% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा और वो 6% इंटरेस्ट, 4 से 6% इंटरेस्ट पे कर देंगे। बाकी जो प्रॉफिट हुआ उनको वो हुआ 6 to 8% का, उसी से वो लैंड पर रेंट देंगे, वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, इंटरेस्ट देंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। पेज नंबर 6, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर्स आर देयर विद बैंकिंग सेक्टर। मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, आप पेज नंबर 6 पे आएंगे, 5 में चेंजेस नहीं करेंगे, आप प्रॉपर दोबारा ड्रॉ करेंगे। लेट्स स्टडी दैट। If financial institutions like banks are included in circular flow, then money flow will not change. But now we can say that households save a fraction of their income and firms borrow to invest in new capital. Full stop. With the introduction of banking sector, comma, with the introduction of banking sector, comma, the pace matlab speed, the pace, PSE, pace of capital formation in an economy will increase. The pace of capital formation in an economy will increase. Full stop. आगे लिखिए continuity में, banks lend money to the firms मतलब producer sector, to the firms from the savings of household kept in banks, from the savings of household kept in banks. Full stop. There is no, ये लाइन कट कर दीजिए, दैट्स इट। बेसिकली मैं इंटरेस्ट में एक्सप्लेन कर रहा था, बट दैट इज ऑफ द ट्रैक, मैक्रो से आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है वो। फुल स्टॉप, डन। नीचे स्पेस गिवन है, ये ड्रॉ कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई रिपीट, आई एम गिविंग यू 1 complete minute टू ड्रॉ दिस। ये ड्रॉ कीजिए, हाउसहोल्ड टू बैंक, बैंक टू प्रोड्यूसर, हाउसहोल्ड टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर टू हाउसहोल्ड। आपको पहले ही पता है कैसे ड्रॉ किया, पेज नंबर 5 में कर चुके हैं। आई एम गिविंग यू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट और मोर देन दैट। स्पीड अप अ बिट।
जी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। सर्कुलर फ्लो की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों पढ़ा जाता है? अभी तो हम नेशनल इनकम के बेस पर हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स नहीं फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, स्टॉक नहीं फ्लो इंक्लूड होते हैं, फ्लो के अंदर हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं। नंबर वन, दिस फ्लो हेल्प्स अस टू एस्टिमेट नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ये फ्लो हमें हेल्प करता है किसी भी कंट्री की इनकम को कंप्यूट करने के लिए। अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फ़र्क है? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि इंडियंस ने कितने पैसे कमाए हैं, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि इंडिया में कितने पैसे कमाए गए हैं। नेशनल इनकम मीन्स द इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, एंड डोमेस्टिक इनकम मीन्स इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। यहाँ पे ऑन अ रफ पेज नोट डाउन कीजिए नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का मतलब। लिखिए नेशनल इनकम में, नंबर वन, नेशनल इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्नड बाय, नेशनल इनकम रेफर्स टू द इनकम, नेशनल इनकम refers to the income earned by normal residents of a country, earned by normal residents of a country, whereas domestic income refers to the income, domestic income refers to the income earned, refers to the income earned within the domestic territory of a country, within the domestic territory of a country, full stop। National income पैसे किसने कमाए, domestic मतलब पैसे कहाँ कमाए। Two, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। सर्कुलर फ्लो से हमें यह पता लगता है कि किन चीजों से नेशनल इनकम बढ़ती है, किन चीजों से नेशनल इनकम कम होती है। लीकेजेस, इंजेक्शंस, व्हाट आर इंजेक्शंस? इंजेक्शंस वो होते हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, तो इसे इंजेक्शंस कहा जाता है। व्हाट आर लीकेजेस? कंट्री में लीकेजेस क्या होती हैं, जो कंट्री की प्रोडक्शन को कम करती हैं। कंट्री की प्रोडक्शन को क्या कम करती है? डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्स। टैक्स प्रोडक्शन को कम करता है, ज़्यादा टैक्स लोगों के पैसे कम बचेंगे, प्रोडक्शन कम होगी। इम्पोर्ट्स प्रोडक्शन को कम करते हैं। अगर आप चाइना से सामान मंगाएंगे तो कंट्री में प्रोडक्शन कम होगी, अगर आप श्रीलंका में सामान ज़्यादा बेचेंगे तो इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, लिखिए दोनों का मतलब क्या है। लीकेजेस आर दोज इकोनॉमिक फ्लो वेरिएबल्स, लीकेजेस are those economic variables, leakages are those economic variables which reduces the production process in an economy, which reduces the production process in an economy, like investment comma subsidies and exports। sorry, hum leakages likh rahe hain na, leakages are those economic variables which decreases the production process in an economy।
यहाँ पे पहले मैं लीकेजेस बता रहा हूँ, या इंजेक्शन, या इंजेक्शन पहले लिखा है फिर लीकेजेस. सो देयर इज़ नो वन टू आस्क मी मैंने पहले क्या लिखवाया है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. लीकेजेस आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स which reduces the production process in an economy, like disinvestment, comma, taxation and imports, full stop. On the other hand, injections are those economic variables. Which increases the production process in an economy. Like investment, comma, subsidies and exports, full stop. आप लीकेजेस में एक और एग्जांपल लिख सकते हैं सेविंग्स. लीकेजेस में एक और एग्जांपल लिखा जा सकता है सेविंग्स, क्योंकि जब लोग सेव ज़्यादा करते हैं तो प्रोडक्शन कंट्री में कम होती है, क्योंकि लोग खर्च नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे. थर्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो. नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एन इकॉनमी एंड देयर रोल. एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर कितना डिपेंडेंट है और वो कितना इंपॉर्टेंट है. सो वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द सर्कुलर फ्लो. इट हेल्प्स टू डिटरमिन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. इट हेल्प्स टू डिटरमिन लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. एंड इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी ऑन ईच अदर. लेट्स प्रोसीड विद सर्टन क्वेश्चंस. Let's proceed with question page number 8. Question number 3. पहले 4 करते फिर 3 पे मूव करते. Mention one difference between micro and macro. सी बेसिकली ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, जब माइक्रो पढ़ी थी, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस. वी हैव ऑलरेडी डन विद दैट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. क्योंकि इसमें पूछा हुआ है तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं. मैक्रो एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो हम शुरू पढ़ रहे हैं. मैक्रो एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो लार्ज लेवल जनरल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो स्मॉल लेवल स्मॉल वेरिएबल्स लाइक कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को स्टडी करती है. लिखिए, एक ही डिफरेंस पूछा है तो डेफिनेशन ही लिख लेते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं हम. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which study
विल स्टडी इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट लार्ज लेवल. विच स्टडी इकोनॉमिक्स वेरिएबल या इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट लार्ज लेवल. दैट इज जनरल इकोनॉमिक वेरिएबल्स. दैट इज जनरल इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम. लाइक नेशनल इनकम कॉमा सप्लाई ऑफ मनी एंड फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर एसेट्रा. फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर एसेट्रा फुल स्टॉप. On the other hand, microeconomics is the branch of economy. Microeconomics is the branch of economics that study economic variables at smaller level. That is individual level. इसीलिए मैक्रो ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट. माइक्रो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल. लाइक कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्शन फंक्शन. लाइक कंज्यूमर बिहेवियर कॉमा प्रोडक्शन फंक्शन एंड perfect competition as a form of market etc. and perfect competition as a form of market etc. last question number 3. give two examples of macroeconomic studies. मैक्रो के किसी भी चैप्टर का नाम लिख सकते हैं. नेशनल इनकम मनी बैंकिंग मैं लिखवा रहा हूँ. आगे लिखिए टू एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज. राइट नंबर वन गवर्नमेंट बजट. नंबर टू डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. नंबर थ्री बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो मैक्रो के तीन एग्जांपल्स हो गए हैं और वो तीन एग्जांपल्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन एंड गवर्नमेंट बजट. दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो एग्रीगेट लेवल इकोनॉमी लेवल. दैट्स इट. वी आर लेफ्ट विद वन मोर लेक्चर. चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. नेशनल इनकम और जो उसके एग्रीगेट्स हैं उनका बेस कंप्लीट हो जाएगा. द बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम विल बी डन इन लेक्चर नंबर 4. दैट इज द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस.